हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी ते। हाँ जी साथियों, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि आपां इस चैनल ते वार्ड अटेंडेंट दे एग्जाम दे लई इंपोर्टेंट एमसीक्यू दी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अज इस सीरीज़ का सत्तवां पार्ट रहने वाला है जी। इस तो पहला इस ते 6 पार्ट अपलोड हो चुके ने। जिन्हां साथियों ने वो 6 पार्ट नहीं वेखे तो उन्होंने अज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स च लिंक मिल जाएगा, उत्थों जाके वो वीडियो वेख सकते हैं। हाँ जी, वीडियो नू स्टार्ट करने तो पहला जेड़े भी साथी साडे चैनल ते नवे ने, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हैं, वो चैनल नू सबसक्राइब कर लेन ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस कर लेन, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, लास्ट अपना क्वेश्चन हैगा सी PPE तो तुहाडा की भाव है, तो इसका आंसर हैगा सी ऑप्शन नंबर 3, परसनल प्रोटैक्शन इक्विपमेंट। हाँ जी, आज दे क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हैगा SV सैट तो की भाव है, आपां दसना है कि SV सैट की फुल फॉर्म की हुंदी है। हाँ जी, ए सैट किसी मरीज़ या रोगी नूं ग्लूकोज चढ़ाउण वेले यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन दिते हुए हैं, फर्स्ट हैगा स्पेशल वैन सैट, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी सुपरफिशियल वैन सैट, थर्ड ऑप्शन हैगा स्काल्प वैन सैट, तो फोर्थ हैगा जी स्पेशल वोल्यूम सैट। SV सैट की फुल फॉर्म होंगी जी स्काल्प वैन सैट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट अपना दिता है क्वेश्चन नंबर 65, एपिस्टेसिस कहा जाता है। हाँ जी, आपां दसना है कि एपिस्टेसिस किसनों कहा जाता है। 4 ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा नक विचों खून आना, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी इंटरनल ब्लीडिंग, थर्ड ऑप्शन हैगा बुखार चढ़न नूं, ते फोर्थ हैगा जी चक्कर आउण नूं। हाँ जी, जदों किसी व्यक्ति दे नक विचों खून आना स्टार्ट हो जाता है तो उसनों साइंटिफिक लैंग्वेज विच एपिस्टेसिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, इसनों तुसीं नोट कर लेना है कि एपिस्टेसिस किसनों कहा जाता है, कि जदों किसी व्यक्ति दे नक विचों खून आने लग जाता है तो उसनों कहा जाता है एपिस्टेसिस। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिता है जी, स्ट्रोक तो तुहाडा की भाव है। 4 ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी हार्ट डिसऑर्डर, सैकेंड ऑप्शन हैगा ब्रेन डिसऑर्डर, थर्ड ऑप्शन हैगा जी किडनी डिसऑर्डर, तो फोर्थ हैगा जी नन ऑफ दीज। हाँ जी, स्ट्रोक जी टर्म हैगी है ये यूज़ की जाती है जदों ब्रेन डिसऑर्डर हो जाए तो उसके लिए यूज़ किया जाता जी स्ट्रोक, तो इस तो भाव हैगा सी ब्रेन डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, तरल जां गैस नाल होण वाले बर्न नूं कहा जाता है। जदों कोई व्यक्ति तरल जां गैस दे नाल जल जाता है तो उसनों की कहा जाता है। 4 ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी लिक्विड बर्न, सैकेंड ऑप्शन हैगा गैस बर्न, थर्ड ऑप्शन हैगा बोथ ए एंड बी, तो फोर्थ हैगा जी स्क्रोल्ड SCOWLED स्क्रोल्ड, तो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्क्रोल्ड। जदों कोई व्यक्ति तरल जां गैस दे नाल जल जाता है तो उसनों कहा जाता है स्क्रोल्ड। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 68, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी, इसते मैं स्टार लगा दिना जी। NICU तो की भाव है। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि NICU हुंदा की है। एक वार्ड हुंदा जी जिस विच नवे जमे बच्चे की केयर की जाती है, तो 4 ऑप्शन दिते हुए ने, आपां दसना है NICU की हुंदा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिता है जी नैशनल इंटेंसिव केयर यूनिट, सैकेंड ऑप्शन हैगा न्यू नैटल इंटेंसिव केयर यूनिट, थर्ड ऑप्शन दिता जी न्यू इंटेंसिव केयर यूनिट, तो फोर हैगा जी नॉर्मल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो NICU की फुल फॉर्म दी जी न्यू नैटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिथे नवे जमे बच्चों की केयर की जाती है उस रूम नू कहा जाता जी न्यू नैटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिता है जी, वैन अंदर पक्का रस्ता बनाने लई केड़ी डिवाइस वरती जाती है। हाँ जी, सब तो पहला क्वेश्चन नूं समझते हैं कि कहता है कि जिवें कोई मरीज हैगा जिसते डेली ग्लूकोज या फिर इंजैक्शन लाना पैंदा है तो उसते आपां डेली तो नहीं सुई ला सकते, तो उसके लिए एक नब्ज़ विच
पक्का ही सैट किया जाता है, जिवें कि कोई पाइप वगैरह लाई जाती है जिस दे नाल आपां डेली उसनू ग्लूकोज चढ़ा दीए, इंजैक्शन ला सकते हैं ईजीली कि बार बार उसके दर्द ना होवे। तां उस दे लई आपां की डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम दसना है। चार ऑप्शन दिते ने, फर्स्ट हैगा जी एस वी सैट, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी कैनूला, थर्ड ऑप्शन हैगा जी आई वी सैट, तो फोर्थ हैगा जी कैथेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हैगा जी ऑप्शन नंबर बी कैनूला। उस डिवाइस का नाम हैगा जी कैनूला, जिस दे नाल वेन अंदर पक्का रस्ता बन जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 78। दवाई दे एक्शन करन दा सब तो तेज़ रूट केड़ा है? जी आपां दसना है कि केड़े तरीके नाल दवाई सब तो तेजी नाल एक्शन करेगी। फर्स्ट ऑप्शन हैगा जी ओरल, मूँह राही। सैकेंड ऑप्शन हैगा है इंट्रावेंस, जिहड़ा कि इंजैक्शन वगैरह लाने आपां वो तरीका। थर्ड ऑप्शन हैगा जी सब लिंगुअल, यानी कि आपां कोई मेडिसिन है वो जीभ दे थल्ले ले लैने आ। ते फोर्थ हैगा जी इन्हां विचों कोई नहीं। तां सब तो तेज़ जिहड़ा रूट हैगा वो हैगा जी सब लिंगुअल, यानी कि जीभ दे थल्ले मेडिसिन रखना वो सब तो तेज़ रूट हुंदा है दवाई दे असर करन दा। ये क्वेश्चन नोट कर लिया जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी, एग्जाम विच आउण दे पूरे चांस ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 79। नाको NACO दा पूरा नाम दसो। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी न्यू एग्रीकल्चर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सैकेंड ऑप्शन हैगा नैशनल एग्रीकल्चर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन दिता है नैशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो फोर्थ हैगा जी नॉर्मल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जी नाको की फुल फॉर्म होंगी है जी नैशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल, क्वेश्चन नंबर 80 दिता है जी। एडवर्ड जीनर ने किस बीमारी लई वैक्सीन बनाया सी? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी एड्स, सैकेंड ऑप्शन हैगा चेचक जिन्हों छोटी माता भी कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन हैगा जी टीबी, तो फोर्थ हैगा कैंसर। जी आपां दसना है कि एडवर्ड जीनर ने किस बीमारी लई वैक्सीन बनाया सी, तां ओह हैगा सी जी चेचक लई। ऑप्शन बी इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन भी इस दे नाल ही रिलेटिड है कि टीबी दिवस संसार टीबी दिवस कदों मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट हैगा जी 24 अप्रैल, सैकेंड ऑप्शन हैगा 24 मई, थर्ड ऑप्शन हैगा जी 24 मार्च, तो फोर्थ हैगा जी 23 मार्च। जी आपां दसना है कि संसार टीबी दिवस कदों मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता जी 24 मार्च नूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। ल्यूकीमिया तो भाव है? चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट हैगा जी स्किन कैंसर, सैकेंड ऑप्शन हैगा ब्लड कैंसर, थर्ड ऑप्शन हैगा ब्रेस्ट कैंसर, तो फोर्थ हैगा जी इन्हां विचों कोई नहीं। जी आपां दसना है कि ल्यूकीमिया जिहड़ी टर्म है वह किस दे लई यूज़ की जाती है? ब्लड कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता जी। हाँ जी, अज की वीडियो तो लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। क्वेश्चन हैगा जी खून का थक्का बनाने विच केड़ा विटामिन मदद करता है? चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी विटामिन ए, सैकेंड ऑप्शन हैगा विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी विटामिन के, तो फोर्थ हैगा जी विटामिन सी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू लाइक करियो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे हो, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना जी, ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहे। हाँ जी, मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो चे, उदों तक दे लई टेक केयर।